हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है डरावने सपने। गहरी नींद में सो रही मिताली आधी रात को डर कर अचानक अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। डर से उसका बुरा हाल था, वो पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। मिताली की आवाज़ सुन उसकी माँ भी जाग जाती है और मिताली से पूछने लगती है, क्या हुआ, तुम इतना घबराई क्यों हुई हो? लेकिन लड़खड़ाते जुबान से मिताली कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी माँ ने कहा, ठीक है, इस कमरे में अभी अंधेरा छाया हुआ है। और यह कहकर माँ लालटेन जलाने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। इधर डर से मिताली के दोनों आँखों की पुतलियाँ फैल चुकी थी। माँ को बाहर जाते देख अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक मिताली उस अंधेरे में घर का दरवाज़ा खोल दौड़ते हुए घने जंगलों की ओर जाने लगती है। माँ मिताली को देख उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। माँ को पता था इतनी रात गए जंगलों की ओर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए माँ ने तुरंत ही लालटेन को हाथ में लिया, खुद भी जंगल की तरफ जाने लगी। देखते ही देखते मिताली अपनी माँ की नज़रों से ओझल हो गई। माँ ने काफ़ी देर तक उस घने जंगल में मिताली को आवाज़ लगाई, लेकिन इधर उधर से उसका कोई अता पता नहीं चला। मिताली को ढूंढने के लिए सुबह का इंतज़ार करने के सिवाय माँ के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए माँ अपने घर को वापस आ जाती है। घर वापस आकर वह सुबह होने का इंतज़ार करती है। सुबह होते ही माँ जब मिताली को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है, तभी अचानक दरवाजे पर उसे मिताली खड़ी दिखाई देती है। माँ घबरा जाती है और पूछने लगती है, इतनी रात को तुम कहाँ थी? मिताली काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए माँ ने उसे कहा, ठीक है, पहले अंदर आओ, इसके बाद मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? माँ ने मिताली को पानी दिया और एक गिलास बढ़ाते हुए पूछा, आखिर इतनी रात को जंगल की तरफ तुम क्यों गई थी? मिताली ने कहा, माँ मुझे नींद आती है लेकिन मैं सो नहीं पाती, क्योंकि जब भी सोती हूँ तो मुझे अपने सपने में एक बहुत ही डरावनी शक्ल की औरत दिखाई देती है जो मुझे अपने पास आने को कहती है। तभी माँ कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, तुम आराम करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मिताली काफ़ी डरी हुई थी, वह कहती है कि नहीं, अगर मैं सो जाऊं तो वह मुझे अपने सपने में इधर उधर ले जाएगी। रात भर की थकान से मिताली की आँख बंद होने लगती है। अचानक उसकी नींद लग जाती है और मिताली गहरी नींद में चली जाती है। मिताली की माँ को लग रहा था शायद थकान की वजह से मिताली यह सब बातें कर रही है, शायद सोने पर उसे थोड़ा आराम आएगा। दोपहर के 1 बज रहे थे, तेज धूप थी, माँ को कुछ काम था, लेकिन इस बार माँ मिताली को अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए माँ वहीं बैठी रही मिताली के बगल में। मिताली को सोए हुए अभी 10 मिनट हुए थे, अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज़ आई। माँ एकदम से घबरा गई, उन्हें लग रहा था इतनी तेज़ धूप में आखिर बाहर कौन हो सकता है, और माँ दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। माँ ने दरवाजे को खोला तो उसके सामने एक औरत थी। माँ ने उससे पूछा, क्या चाहिए आपको? तो उस औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा एक छोटा बच्चा है जो खेलते खेलते कहीं गुम हो गया है, क्या आपने उसे देखा है? मैं काफ़ी देर से उसे ढूंढ रही हूँ,
वह मुझे नहीं मिल रहा। माँ ने कहा, नहीं, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। और वो ये कहकर माँ दरवाजे को बंद कर लेती है। माँ फिर से मिताली के बगल आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में माँ ने देखा कि मिताली नींद में भी बेचैन नजर आ रही है। वो लगातार हाथ पैर इधर उधर कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। माँ उसे तुरंत ही जगाने लगती है, लेकिन तभी मिताली फिर अचानक से शांत हो जाती है। माँ को लगता है शायद फिर से उसे कोई बुरा सपना आया होगा। मुझे इसे नहीं जगाना चाहिए था। लेकिन मिताली नींद में जब करवट लेती है तो उसकी पीठ पर बने पंजे के निशान देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं। माँ ने तुरंत ही मिताली को नींद से जगा दिया और पूछने लगी कि आखिर तुम्हारे पीठ पर यह निशान कैसे आए। मिताली ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे यह नहीं पता कि मैं जंगल की तरफ क्यों गई थी। मिताली ने तुरंत ही अपने माँ से कहा, वह औरत कोई साधारण औरत नहीं, वो एक प्रेत है जो मुझे नहीं छोड़ेगी। वह हर समय मेरे पास ही रहती है। वह हर बार मुझे अपने साथ लेने के लिए आती है। अब माँ को भी समझ आ गया था कि वो औरत जो बाहर दरवाजे पर आई थी वह प्रेत ही थी। और मिताली के पीठ पर बने निशान देखकर माँ को पूरा यकीन हो गया था कि हमारे घर के अंदर कोई आत्मा मौजूद है जो हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। माँ ने मिताली को लेकर तांत्रिक के पास जाने के लिए सोचा। तांत्रिक के पास पहुंचकर इन्होंने सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, पहले मैं आपके घर को देखना चाहता हूँ। और ये कहकर तांत्रिक उनके घर की ओर उनके साथ आने लगा। उनके घर को देख तांत्रिक को झटका लगा। उसने कहा, आपको पता होना चाहिए था कि आपका घर एक कब्र के ऊपर बना हुआ है। इसके नीचे कई सारे लाशें दबी हुई हैं। अगर आपने जल्दी ही इस घर को नहीं छोड़ा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने उसी समय सारा सामान बांधकर उस गांव को छोड़कर चले गए। उन्होंने गांव वालों को भी नहीं बताया था कि आखिर हम लोग कहां जा रहे हैं। उन्हें डर था कि कहीं वो प्रेत फिर से उनके पीछे ना लग जाए। 22 वर्ष की मिताली इस घटना की कुख्यात सबूत थी। इसके बाद मिताली ने उस घटना को फिर से कभी याद नहीं किया, क्योंकि वह खौफनाक यादें फिर से मिताली को सोने नहीं देती। लेकिन वो निशान आज भी मिताली के शरीर से नहीं मिटते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी तुमको पसंद आया होगा। यार अगर तुमको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो यार, कौन रोक के रखा है, फ्री में तो होता है, पता है तुमको। तो अगर तुम ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो ना तो कितने महीने बीत गए, खैर डेढ़ महीने बीत गए, लेकिन डेढ़ महीने लगातार वीडियो अपलोड करने के बाद भी तुम देख सकते हो कितना घटिया व्यू आता है। अब क्या ही कहें हम यार, करो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो जिसको डराना है डराओ, डरा के फाड़ दो उसकी, फाड़ो यार, क्या क्या कर रहे हो तुम, डराओ उसको, तुम्हारी फट गई हो तो बात अलग है लेकिन फिर भी यार शेयर करो, क्या कहे का वेट करते हो, कर ही दो शेयर। चलते हैं, बाय बाय।